उधमपुर जिले के पास के गांव में रहने वाले मस्त अली और मोहम्मद आसिफ ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से भविष्य की अनिश्चितता उन्हें हमेशा परेशान करती थी। प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना ने उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण का सहारा दिया। अब दोनों न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं बल्कि अपना कौशल विकास भी कर रहे हैं। हमारी जो ड्रॉप की हुई थी हमने एजुकेशन, वो फिर से स्टार्ट की हमने, और समय बहुत सारे जो भी लड़के मतलब कि रह जाते हैं, मतलब कि जिनकी एजुकेशन ड्रॉप हो जाती है, वो उसकी वजह से फिर से उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया, उन्हें बहुत फायदा हुआ। पहले मैं खेती बाड़ी और भेड़ बकरी पालता था, और अभी जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है कंप्यूटर सीखने की, और हम इधर कंप्यूटर सीखने आते थे, और इसकी बदौलत हम कंप्यूटर सीख पड़े हैं। उम्मीदों को पंख लगाने वाली इस योजना के तहत 17 से 35 साल की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं को 8वीं या 10वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा दी जाती है। साथ ही हुनर को भी निखारा जाता है ताकि पढ़ाई के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना में 30% सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। बहुत अच्छी स्कीम है हमारे बच्चों के लिए, जो कि हम काफी सालों से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। आज हमने 7-8 साल के पास अपनी पढ़ाई फिर से दोबारा शुरू की, वरना हमारे रूरल एरियाज में कोई पढ़ाई का नामो निशान नहीं रहा था। मेरी 10th क्लियर नहीं थी, मैं घर में फ्री बैठी थी, तो मेरी अब 10th क्लियर हो गई है, तो इसका मैंने इतना बड़ा ज्यादा फायदा उठाया है। कौशल प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को आर्थिक मदद भी दी जाती है ताकि उनका प्रशिक्षण सुचारू रूप से चलता रहे। ये कोर्स 8 महीने का कोर्स है जिसमें बच्चों को स्टाइफन दिया जाता है 1000 पर मंथ, एंड 1500 इनको स्किल ट्रेनिंग का स्टाइफन मिलता है। प्रधानमंत्री की ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है ताकि बच्चों को आगे, जिनके पास पैसे कम हैं, जो पैसों से पैसे नहीं है जिनके पास, वो आगे अच्छा अपना कारोबार स्थापित कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। नई मंजिल योजना ऐसे अल्पसंख्यक युवाओं के जीवन में नई उम्मीद पैदा कर रही है जो ना उम्मीदियों से घिरे हुए हैं और जिंदगी को नई रफ्तार देना चाहते हैं। We'll be right back.